हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। लिस्ट में शॉर्टिंग कैसे करी जाए, यानी शॉर्ट मेथड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्पाइडर आईडी मैंने ओपन किया है। पाइथन की कोई भी आईडी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट नाम से एक लिस्ट बना लेता हूं, और यहाँ पर क्या स्टोर कराऊंगा, कोई भी कैरेक्टर स्टोर कराऊंगा। जैसे टी कर देता हूँ, यहाँ पे कॉमा देकर के यहाँ पे जेड कर देता हूँ, यहाँ पे कॉमा देकर के एक्स कर देता हूँ, यहाँ पे कॉमा देकर के ऐसे चलते चलेंगे एफ कर दिया यहाँ पे। ऐसे और भी कैरेक्टर्स को आप स्टोर करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमा देते जाना है आपको। ठीक है, इस तरीके से। और डोमिनेटेड कोट्स में यहाँ पे एल लिखूंगा, यहाँ पे कॉमा दूंगा डोमिनेटेड कोट्स में पी लिखूंगा, फिर कॉमा दूंगा डोमिनेटेड कोट्स में ए लिखूंगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट, एल आई एस टी, लिस्ट डॉट एस ओ आर टी शॉर्ट। और यहां पर क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, और यहां पे प्रिंट करवा देंगे ना, लिस्ट को प्रिंट करवा देंगे, एल आई एस टी, सिंपली एल आई एस टी, लिस्ट को प्रिंट करवा दीजिए। और जब इसको मैं चलाऊंगा तो आप देखेंगे ये शॉर्ट होकर आया हुआ। देखिए ना, पहले जो है, अगर मैं ये शॉर्ट नहीं लिखता, चलिए इसको कॉमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको कॉमेंट कर दिया मैंने। अगर मैं इसको चलाता तो क्या होता, तो यहाँ पर रिजल्ट साफ दिख रहा होगा आपको, टी जैसे लिखा गया है, टी जेड एक्स एफ एल पी ए, ये जिस तरीके से लिखा गया उस तरीके से प्रिंट हो रहा है। लेकिन यही अगर कमेंट हटा देता हूं यहां से और इसको चला देता हूं, तो आप देखेंगे कि ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में आया हुआ है। तो पहले ए वाला ए नहीं है, तो बी वाला बी नहीं है, तो सी वाला ऐसे करके आया हुआ है। तो शॉर्ट एक मेथड होता है जिसे आप शॉर्ट करा सकते हैं। ठीक है, ओके।